हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्तिस पैराडाइज। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भगवान से दुआ करती हूँ आप अच्छे ही रहे हैं। और देखिए, अभी मेरा पूजा भी खत्म हो गया है, यहाँ दिखा रही हूँ, दिखा रहे ना, और ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ अभी। और कैसा लगेगा मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले और हम ग्रो करेंगे। एक सुंदर यूट्यूबर मैं बनना चाहती हूँ और मुझे मेरा जो विश है फुलफिल करने में आप लोग मदद कर दीजिए। और फिर आइए, आज का ब्लॉगिंग मैं शुरू करती हूँ। देखिए कैसा लग रहा है फिर बताइए। देखिए, सुबह का सब काम ख़त्म होने के बाद अभी बच्चे भी चले गए और श्यामा ऑफिस और मेरा बेटा स्कूल, तो बाद में मैं क्या कर रही हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया है। थोड़ा एक भुर्जी और ब्रेड को मैं गाय का घी, जो प्योर घी देकर थोड़ा फ्राई कर दी हूँ, और एक बॉयल ले गई है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और एक कप टी लेकर मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ये बहुत इजी ब्रेकफास्ट होता है, ये खाने में भी बहुत मज़ा आ जाता है, कि ये थोड़ा एपिटाइजिंग भी होती है। मैं इधर की उधर की ज़्यादा नहीं खाती, इस तरह ही बहुत प्लेन एक रोटी इस तरह खा लेती हूँ, रोटी के साथ थोड़ा सा सब्जी, नहीं तो ये से दो एग और थोड़े ब्रेड और टी, इस तरह ही मैं लेती हूँ। मुझे ज़्यादा खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह मेरा ब्रेकफास्ट रहता है। और सुबह का काम भी शुरू हो रहा है, देखिएगा मेरे साथ। ये अदरक सब लेकर आई थी, इसमें धूल लग के रहता है ना, अच्छा नहीं लगता, तो पानी में डाल देती हूँ। उसके बाद इसको धोकर मैं ऐसे रख देती हूँ सूखने के लिए, फिर बाद में इसको फ्रिज में ट्रांसफर कर देंगे। मशीन में भी बहुत सारे कपड़े हैं। आज सुबह मैं उठी तो देखिए क्या क्या काम हुआ है। पहला काम डोडो को बाहर लेकर जाना, उसको घुमा के जो टॉयलेट उसका होता है फिर लेकर आना, उसको छोड़ के फिर वॉकिंग जाना। वॉकिंग जाकर रिटर्न होती हूँ तो सीधा बाथरूम से एक बकेट पानी और फिनाइल सैनिटाइजर जो भी कुछ डालकर उसका जो डोडो जहाँ रहता है उसका बरांडा धोते हैं। ये तो मेड लोग करते ही नहीं, तो मुझे ही करना पड़ता है। उस वो बरांडा उसका धो के फिर आ जाती हूँ।
दूध गर्म करती हूँ, हाथ क्लीन करके फिर उसको बिस्किट और दूध खाने को देती हूँ। फिर एक्वेरियम के पास जाती हूँ, एक्वेरियम का फिश को जो उनका फिश फूड वो भी देती हूँ। उसके बाद मैं सीधे चले जाती हूँ किचन। किचन में चाय बनता है, चाय थोड़ा पीने के बाद ब्रेकफास्ट, स्वयं को उठा देती हूँ तब तक, फिर ब्रेकफास्ट होती है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट तुरंत स्वयं को सी अप करने के बाद लंच भी बनाना शुरू हो जाता है, क्योंकि 9:30 तक मेरी बेटी ऑफिस जाती है तो लंच लेकर जाती है। तो लंच में आज मैं बीन पटेटो का आलू जो फ्राई किया, फिर छोटा जो झटपट से जो होने वाले, फिर अंडा ऑमलेट दो, एक अंडा ऑमलेट बनाया, फिर और क्या बनाई, दाल और राइस, ये उनको पैक करके दे दी। गीजर ऑन करती हूँ, उसके बाद थोड़ा गर्म हो जाने के बाद ही नहाती हूँ। फिर पूजा, पूजा तो 1 घंटा का रहता है तो बहुत सारे श्लोक मुझे पढ़ने पड़ते हैं, तो 1 घंटा तो लग ही जाता है। इतने में मैं टिफिन जब लेती हूँ तब हो जाता है 11, तो 11 o'clock में मेरा ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है सुबह, लेकिन मैं थोड़ा टी ले लेती हूँ। और उसके बाद फिर जो स्वयं आएंगे स्कूल से, तो वो सुबह का खाना तो दे नहीं सकते, फिर उनके लिए कुछ सब्जी बनती है, जैसे नॉन वेज वगैरह बना। आज तो बुधवार है तो गुरुवार कल मार्गशीर महीना का, तो आज और ज्यादा काम है, इस तरह काम चलता रहता है। फिर जाकर मुझे 4:30 तक थोड़ा रेस्ट लेने को मिलता है, तब आधा घंटा रेस्ट लेने के बाद मैं एडिटिंग में बैठ जाती हूँ। एक दो चैनल ऐसे डेली में अपलोड करती हूँ, तो एडिटिंग करते करते पूरा 7:30, 8, 9 कभी कभी हो जाता है। फिर रोटी बनाने डिनर में आ जाती हूँ, बच्चों को इस बीच में स्नैक्स जो वो ऑफिस से स्कूल से ट्यूशन से रिटर्न हो जाते हैं तो उनको स्नैक्स बिस्किट भी देती हूँ। उसके बाद वो ही थोड़ा छोटा मोटा टिफिन जैसा ही होता है, मेरा भी स्नैक्स रहता है, जो मूंग दाल ये सब का जो स्प्राउटेड जो रहते हैं उसका सलाद भी बनाना होता है, क्योंकि मैं स्नैक्स के तौर पर वो शाम को लेती हूँ। फिर वो बच्चों को कुछ भी देती हूँ, इस तरह शाम को टाइम आधा घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। फिर बाद में हुआ इवनिंग में कुछ भी ऐसे घर का जो पेंडिंग काम होते हैं वो करके फिर किचन में जाती हूँ। रोटी बच्चों के लिए राइस बनता है, मेरे तो रोटी ही, बच्चे रोटी नहीं खाते, क्योंकि हमारे ओडिशा में जनरली डिनर में जो एजर्ड लोग रहते हैं वो ही रोटी लेते हैं, नहीं तो ये बच्चे लोग राइस ही खाते हैं, तो उनके लिए दाल सब्जी सब बनाना पड़ता है। डोडो को भी खाना देना होता है, 8:30 तक फिश खाना देना होता है, इस तरह के काम। अब घर में कोई मेहमान आ गए तो उनको भी अटेंड करना पड़ता है घर का, और मार्केटिंग इस बीच एक दो बार 3 बार मैं मार्केट जाके आती हूँ सुबह, कुछ जो मिल्क लेना होता है, तो ये ही मेरे डेली रूटीन है। फिर अभी देखिए कितने सारे कपड़े हैं, उसको लेकर आती हूँ, उसको लेके सुखा देती हूँ, सुखाने के बाद लंच में क्या बनेगा उसके बाद देखिए मेरा काम। ये सारे कपड़े, कितने सारे, पूरा टब भर के कपड़े, इसको लेकर सुखा देती हूँ। आप लोग देखते रहिएगा मेरे साथ, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा चैनल बढ़ेगा। मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने से आप लोगों को अच्छा लगेगा, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। देखिए लास्ट डे मैं होम सेंटर गई थी, तो आप लोगों को बोली थी भी, थोड़े चीज़ें भी मैं शेयर की हूँ आपके साथ। तो अभी पूरा फुल नज़ारा आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सामान उधर थे, मुझे सब पसंद आए थे, एक से एक बेहतर थी। कौन सा अच्छा कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे तो नहीं बोल सकते, हाँ आपका जो अंदाज है वो देख कर लेकर आना है। और मुझे बहुत सारे चीज़ें अच्छे लगी तो मैं थोड़े लेकर आई हूँ, मैं आपके साथ भी वो सब शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा।
देखिए जो मैं कल गई थी होम टाउन, होम टाउन से क्या क्या लेकर आई हूँ, ये इसमें था, ये आपको दिखा रही हूँ। ये हुआ सॉस स्टैंड, तो सॉस रहता है इसमें, स्पून भी डाला जाएगा, आपको दिख रहा है, देखिए इस तरह ऐसे कवर है, ऐसे चार है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये मेरे लेकर आई हूँ, ये स्पाटुला स्टैंड है, जो ट्रे है, जब हम खाना बनाते हैं तो वो स्पाटुला को गैस के साइड इसमें रखूँगी, ये लंबा सा है। ये एक पेपर क्रशर, इसमें पेपर डाल के हम क्रश करेंगे। ये चार कोटेशन वाला कवर करने के लिए ग्लास, वो कुछ मिल्क वाटर रखेंगे तो कवर, ग्लास कवर्स, इसमें सब लिखा है कि हैप्पीनेस इज, इस थोड़े कुछ कुछ लाफिंग एट ओल्ड पिक्चर्स ऑफ ईच अदर्स, तो इस तरह कोटेशन वाला चार लेकर आई हूँ। इस तरह संजीव कपूर का ग्लास कप, देखिए यहाँ संजीव कपूर जी का पिक्चर है, तो ये लेकर आई हूँ, बहुत सुंदर लग रहा था तो मैं लेकर आ रही हूँ। इसमें आइसक्रीम स्टैंड है, ये एक्चुअली आइसक्रीम बाउल्स, इस तरह ये भी छह लेकर आई हूँ। ये तीन पिलो कवर के साथ पिलो लेकर आई हूँ, ये देखिए, ये मेरे बेडरूम के लिए मैं लेकर आई हूँ। मैं बेड में डालकर भी आपको दिखाई हूँ पहले, तो मैं क्या मार्केट से लेकर आई थी, आप दिखा दे रही हूँ। रेड मेरा बेडरूम का कॉम्बिनेशन है तो वो अच्छा लगता है, इसमें ये बहुत सुंदर जच रहा है, देखिए ये कितना प्यारा। राजस्थानी जो ब्राइड रहते हैं, क्वींस। और मेरा बेटा लेकर आ गया है, इसको कौन सा स्पंज बोलते हैं, मेमोरी फोम वाले, ये देखिए ऐसे कुछ कुछ करके आप रख देंगे भी, ये धीरे धीरे खुल जाएगा और बड़ा हो जाएगा, अपना पोजीशन में आ जाएगा। इस तरह हम दो लेकर आए हैं, यहाँ दिखा रहे हैं, ये एक और ये मेमोरी फोम वाला पिलो। बेटा हमारा लेकर आए हैं, ये एक में एक फ्री था, ये हो गया, इतना लेकर आई थी। और कुछ लेकर आई होंगी तो भूल गई हूँ शायद, याद नहीं आ रहा, यूज हो गया। हाँ, और एक चीज में दिखा रही हूँ, देखिए ये मिनी चप्पर बोर्ड, तो इसमें प्याज और हरी मिर्च, धनिया का पत्ता कट करने के लिए अच्छा होगा। और ये बेडशीट पिलो कवर के साथ आया था, ये बहुत सुंदर, पूरा प्योर कॉटन का है, आपको दिखा रही हूँ, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लग रहा है बताइए, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल ऑप्शन पर जाइए, और मेरा वीडियो डेली आपको मिलेगा, देखते रहिएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है लाइक जरूर 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 लाइक कर दीजिएगा, और रहती हूँ यहाँ, मुझे विदा दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, नमस्कार, जय जगन्नाथ।